एमपी में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद, भोपाल में हुई हुंकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मिनिस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसको लेकर आप ने कमर कस ली है। राजधानी भोपाल में आज आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा और कांग्रेस को जमकर कोसा है। कार्यक्रम भोपाल के दशहरा भेल मैदान में संपन्न हुआ। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान? केजरीवाल ने कहा कि पहले देश में होती थी जात धर्म की राजनीति, हमें काम की राजनीति आती है। दिल्ली में 12 लाख नौजवानों को जॉब्स मिली, पंजाब में एक साल में 27,000 सरकारी जॉब्स दी, एमपी के नौजवानों ने आंदोलन किया तो पुलिस ने डंडे बरसा दिए, एमपी में भी सबको नौकरी देंगे। हम दिल्ली पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के बाद गुजरात में 14% वोट ले आए, इसलिए मुझ पर कीचड़ फेंकना शुरू किया। क्या तो कभी कोई भ्रष्टाचारी स्कूल हॉस्पिटल बनाता है? भ्रष्टाचारी तो गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल बर्बाद कर प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल को फायदा पहुंचाता है। पीएम पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी बेवकूफ बना देगा कि नोटबंदी कर दो भ्रष्टाचार आतंकवादी खत्म हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार आतंकवादी खत्म हुआ? पढ़े लिखे पीएम को इकोनॉमी टेक्नोलॉजी साइंस की जानकारी होगी। आपको बता दें कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह जून करीब एक माह से मध्य प्रदेश के में डेरा जमाए हुए थे। दोनों नेता लगातार एक के बाद एक मीटिंग कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे थे। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह जून ने बताया कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में आप 230 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनावी लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और भाजपा को काम करने का भरपूर मौका दिया, हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता काम की राजनीति को अपनाएगी और अरविंद केजरीवाल मॉडल पर मुहर लगाएगी। नगर निकाय चुनाव में किया बेहतर प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी ने पिछले साल हुए नगर निकाय चुनाव में सिंगरौली सीट पर जीत कर दर्ज की थी और रानी अग्रवाल के रूप में प्रदेश को पहला मेयर दिया था। सिंगरौली के साथ साथ पूरे प्रदेश में आपके 52 पार्षद चुनाव जीते थे, इसमें आपको 6.3% वोट मिले थे। साथ ही पंचायत चुनाव में 10 जिला पंचायत सदस्य, 27 जनपद पंचायत सदस्य और 118 सरपंचों चुनाव जीते थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर दत्तात्रेय होसबोले बोले, लोकतंत्र खतरे में होता तो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि एक राजनीतिक दल का नेता होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी भरे बयान देने चाहिए, वास्तविकता देखनी चाहिए। हाल ही में राहुल गांधी ने लंदन में संघ की आलोचना की थी और कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। पानीपत के समालखा में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर मौजूद रहे। होसबोले ने इस दौरान कहा कि आरएसएस पर उनके राहुल गांधी पूर्वजों ने भी प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए थे, लेकिन वे राष्ट्र की आवाज को दबा नहीं पाए। दत्तात्रेय ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद है, इमरजेंसी जब तक लागू हुई थी तब मैं फेल में था, इमरजेंसी जब तक लागू हुई थी तब मैं जेल में था, मेरे जैसे लाखों लोगों को जेल भेजा गया था। कांग्रेस ने आज तक इस काम के लिए माफी नहीं मांगी, उनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। अगर वह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो देश में चुनाव चल रहे हैं, पार्लियामेंट चल रही है और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, यह सब कैसे हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को जिम्मेदार बनना चाहिए, हम अपना काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं की, हमने जनसंख्या संतुलन की बात कही है। वही समलैंगिक विवाह पर दत्तात्रेय ने कहा कि विवाह केवल विपरीत लिंग के लोगों के बीच हो सकता है। समलैंगिक विवाह पर सरकार के विचार से सहमत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं को किया जा रहा टारगेट, ऐसा ही रहा तो भविष्य में कोई महिला राजनीति में नहीं आएगी। शीतल महात्रे के साथ जो हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो शीतल के साथ
साथ हो रहा है, कल मेरे या अन्य महिलाओं के साथ भी हो सकता है। जनसंख्या की 50% आबादी के प्रति जानबूझकर इस तरह की बातें और तस्वीर पेश किया जाएगी तो भविष्य में कोई महिला राजनीति में नहीं आएगी। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा वाघ ने पत्रकारों से यह बात कही। वाघ एक दिन के नागपुर दौरे पर पहुंची हुई है। इस दौरान उन्होंने गणेशपेट स्थित शहर भाजपा मुख्यालय में जिला और शहर महिला नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान संगठन को किस तरह मजबूत बनाया जाए इस पर काम करने का आह्वान उन्होंने महिला नेताओं से किया। भाजपा नेता ने कहा, शीतल महत्रे पहली बार राजनीति में नहीं आई है, पिछले कई सालों से वह राजनीति कर रही है। वह मुंबई मनपा में एक पार्षद के तौर पर भी काम कर चुकी है। उन्होंने आगे कहा, उस समय भी उद्धव गुट के विधायक घोषणकर ने किस तरह उन्हें प्रताड़ित किया था सभी को पता है। जब वह एक महिला को हरा नहीं सके तो भिन्न भिन्न रास्ते अपनाकर हमला किया गया, उनका नंबर टॉयलेट में लिख दिया गया। शुरू कार्यक्रम में किस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया सभी ने देखा है। वाघ ने कहा, उस समय भी कोई सामने नहीं आया, उस महिला ने अकेले अपनी लड़ाई लड़ी। आज भी वही हो रहा है, वही जो सब दिखाया जा रहा है वह बेहद गलत है, उस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आज तो शीतल के साथ हो रहा है, वह मेरे सहित अन्य महिलाओं के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है सबके सामने आनी चाहिए। ऐसा ही रही, कोई महिला राजनीति में नहीं आएगी। वाघ ने कहा, राजनीति में महिलाओं की संख्या बेहद कम है और जो भी है उन्हें प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। राजनीति अच्छा क्षेत्र है, समाज और लोगों के लिए काम करने वाला क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह की हरकत शीतल के साथ की गई वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, सभी के परिवार है, एक महिला के प्रति अगर इस तरह की बात की जाए कि और उन्हें टारगेट किया जाएगा तो भविष्य को कोई महिला राजनीति में नहीं आएगी और न ही कोई नई लीडरशिप तैयार होगी। एक महिला जो समाज में होने कुछ योगदान दे रही है, आखिर उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है, ऐसा सवाल भी वाघ ने किया है। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।